हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सेक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस अगर आपने मॉर्निंग में आज देखा रहेगा तो आपको रिजेक्शन का कंसेप्ट आराम से समझ में आया रहेगा और आपको पता चला रहेगा कि क्यों मैंने सिक्सटीन फाइव सेवेंटी का टारगेट बताया था और क्यों सेकेंड टारगेट के लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं था एंड एट द सेम टाइम आपने ये भी देखा रहेगा कि शाम को यानी कि दो अढ़ाई बजे आ, हमने ज़्यादा हीरो ज़ीरो पे ध्यान नहीं दिया बट एट द सेम टाइम वी वेंट विथ बी टी एस टी का एनालिसिस तो इट इज़ बेसिकली लाइक दो ऑप्शंस थे कि आइदर हीरो जीरो दे या बीटीएसटी के बारे में बताए सो आई पर्सनली फेल्ट कि बीटीएसटी वाज अ गुड ऑप्शन तो इसके लिए मैंने बीटीएसटी के बारे में बताया बट नेवर मैं आपसे कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करते रहना क्योंकि आपको बहुत सारे एनालिसिस बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे जो कि नॉर्मली आप को कोई लॉजिक के साथ नहीं बताता है दोज यू डोंट नो मी मै नीमिस तुषार गुनी एम ए सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनलिस्ट हर शाम नौ साढ़े नौ के आसपास मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके और आपको अगर निफ्टी और इक्विटी और ऑप्शंस का एनालिसिस चाहिए इंटराडे में तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना और अगर बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट के कोर्सेज लेक्चर्स चाहिए तो आपको क्या करना है कि तुषार गो ऐप ज्वाइन करना है सबके डिस्क्रिप्शन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन दि बॉक्स में दिए हुए हैं और अगर वीडियो ये पसंद आ जाए जो कि मुझे लगता है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब बेल बटन हिट करना मत भूलना विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द एनालिसिस आज मैं क्या करूंगा? इट विल बी वेरी वेरी सिंपल मैं 15 मिनट्स के चार्ट में ही आपको बताऊंगा क्योंकि जो मैंने बी का कंसेप्ट समझाया है तो कुछ भी नया नहीं है इसमें आई विल जस्ट क्विकली स्विच ऑफ और ये रहा पंद्रह मिनट का चार्ट इट इज़ एज सिंपल एज़ दैट कि क्यों मैंने बी टी एस टी कहा क्योंकि ये मुझे ब्रेकआउट दिखा था ओके आई वॉज़ वेरी श्योर कि ये ब्रेकआउट जैसे ही हो गया है अब मोस्टली देर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांसेस कि मार्केट सिक्सटीन सेवन हंड्रेड को टच कर देगा और उसके बाद में वापस यहाँ पे एक डाउनफॉल जो कि जाएगा सिक्सटीन सिक्स फिफ्टी या उसके भी आस नीचे और फिर ये नेक्स्ट अटेम्प्ट करेगा ये लेवल पे तो ये कंसेप्ट लग रहा है ओके एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने दो लॉट लिए हैं तो या फिर तीन लॉट लिए हैं कल के लिए और मोस्टली अगर आप देखोगे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि बी में कौन से लॉट लिए जाए तो मैं कहूँगा बी में हम बड़ा प्रॉफिट और छोटा लॉस देखने के आ, का एक्सपेक्ट करते हैं तो मोस्टली आपको आउट ऑफ द मनी लेना है कितना आउट ऑफ द मनी ले सकते हो तो फॉर एग्जांपल अब भी सोलह हज़ार छः सौ चल रहा है तो आप सोलह हज़ार सात सौ ले सकते हो सोलह मोस्टली अवॉइड करना 16,750 मैक्स लेना क्योंकि इससे होता क्या है कि अगर समझो मार्केट में बहुत छोटी मूव आ गई पॉइंट टू पॉइंट थ्री परसेंट तो आपको इफेक्ट दिखेगा ही नहीं एंड एट द सेम टाइम मैं इन द मनी आपको क्यों नहीं लेने को बोलता हूँ क्योंकि अगर सडनली अंदाज़ा गलत हो गया और नीचे चला गया तो आपका अच्छा खासा लॉस हो सकता है सो दैट इज़ द रीज़न जब भी आप बी करो एक स्ट्राइक प्राइस आगे का यानी कि निफ्टी के लिए सौ पॉइंट्स आगे का दो स्ट्राइक प्राइस बट लॉजिकली आप समझ जाओ कि सिक्सटीन सिक्स हंड्रेड है तो सिक्सटीन सेवन हंड्रेड का लेके आप दो या तीन लॉट होल्ड कर सकते हो आ, बहुत सारे लोग हैं जो दस लॉट पचास लॉट होल्ड करते हैं बट मेरे हिसाब से बी के लिए ये गलत है क्योंकि कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली अगर मार्केट उल्टा घूम गया तो आपको अच्छा खासा लॉस करना पड़ेगा हमको बी करना ही क्यों है क्योंकि हमें बड़ा प्रॉफिट और छोटा लॉस लेना है ओके सो so, यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कल कहाँ तक मैं मार्केट गैप अप होने का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिक्सटीन सेवन हंड्रेड ओके उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा नीचे आएगा ओके वापस अटेम्प्ट करेगा और फाइनली सिक्सटीन एट फिफ्टी जो हमारा प्रीवियस कॉन्फिडेंटली प्रीवियस हाई के ऊपर चला जाएगा तो दैट वुड बी रियली फैंटास्टिक तो यस yes, जैसे चैनल में कहा था ये होने के चांसेस है आप शॉर्ट के बारे में कब सोचोगे तो डेफिनेटली आप शॉर्ट के बारे में ये जोन ये जो है ना मैं यहाँ पे बहुत टाइट शॉर्ट बोल रहा हूँ 16550 के बाद ही आप शॉर्ट के बारे में सोचोगे यानी कि पी के बारे में सोचोगे आपका पहला टारगेट क्या होगा ये सब 15 मिनट्स के चार्ट पे है सिक्सटीन फाइव थर्टी आपका दूसरा टारगेट क्या होगा सिक्सटीन फोर नाइन्टी. और अगर ये दोनों टारगेट अचीव हो गए तो आप देखोगे अच्छा खासा सिक्सटीन थ्री सेवेंटी तक भी जा सकता है बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल प्रॉफिट नहीं का चुका मीन्स सिक्सटीन थ्री को ही सब प्रॉफिट बुक करना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेजॉरिटी प्रॉफिट आपको यहाँ पे बुक करना है अगर तीन चार लॉट लिए तो सिर्फ एक लॉट आप 16370 के आसपास ट्राई कर सकते हो कभी आपको ये करना है जब मार्केट 16550 के नीचे चला जाए वहाँ पे सस्टेन हो जाए 15 मिनट की रेड कैंडल अच्छी खासी बने फिर आप ये लेवल्स देख सकते हो सो दिस इज़ फॉर द पी साइड और कॉल साइड पे आपको क्या करना है बहुत सिंपल है अगर आपने ऑलरेडी एक या दो कॉल लेके रखे हैं तो कल 16700 में प्रॉफिट बुक कर लेना है ओके okay? 16700 सी कल यहाँ पे टच हो जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना है और उसके बाद में क्या होगा कि रिट्रेसमेंट होगा फिर वापस इसको अटेम्प्ट करेगा बट ये बहुत पावरफुल सिक्सटीन का कॉल राइटिंग है यहाँ पर तो थोड़ा सा जैसे ऐसे हुआ है ये यहाँ पे होने के चांसेस है और जैसे ही ये ब्रेकआउट हो जाएगा सिक्सटीन एट फिफ्टी तक जा सकता है तो जो फेज यहाँ पे हुआ है ये अभी यहाँ पे रिपीट होने के चांसेस है ये याद रखना आप देख सकते हो सिक्सटीन सेवन हंड्रेड एंड सेवन हंड्रेड के आसपास ये क्या हो सकता है वो ओके एंड इट विल टेक टाइम यानी कि इतने आसानी से ये नहीं होगा तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल मॉर्निंग में अगर प्रॉफ़िट कमाया है तो खुश हो के बुक कर लेना अगर हमें लग रहा है कि कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग टेलीग्राम चैनल में डेफ़िनेटली बताएंगे आपको एनालिसिस हमारा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना अब यहाँ पे और एक है कि डेली चार्ट में कुछ बनता है क्या तो यस yes, डेली चार्ट में बहुत अच्छा बनता है आप देखोगे ये पिछला इसको काट के ऊपर चला गया है तो सिक्सटीन सिक्स एटी के आसपास जैक्यू मैंने सिक्सटीन सेवन हंड्रेड कहा ओके और ये एक बार कॉन्फिडेंटली सिक्सटीन सेवन एटी सिक्स के ऊपर चला गया ये प्रीवियस हाई के तो फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा सेवनटीन वन ट्वेंटी का तो ये डेली चार्ट में है जैसे ही सिक्सटीन सेवन टेन को काटेगा ओके कॉन्फिडेंटली काटेगा तो मार्केट विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग फॉर दिस टू विच इज़ क्वाइट पॉसिबल क्योंकि आप देखोगे ओवरऑल मोमेंटम इज़ फंटास्टिक बट ये सब मैं डेली चार्ट में बोल रहा हूँ तो ये कल के कल होने के बिल्कुल चांसेज़ नहीं हैं ये एनालिसिस हम अगले हफ्ते करेंगे ओके okay? मैं और क्या आपको बता सकता हूँ तो जस्ट मैं आपको निफ्टी ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताऊँगा और बाद में मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी बताऊँगा निफ्टी ट्रेडर ओपन इंटरेस्ट निफ्टी ओपन इंटरेस्टी एट जुलाई का आप देखोगे तो सिक्सटीन सेवन हंड्रेड जैसे मैंने कहा इज अ रॉक सपोर्ट रॉक सपोर्ट नहीं कहूंगा एंड यहाँ पे और एक देखोगे तो पीपल फील की सेवनटीन के भी आ सकता है ये हफ्ते मीन्स आने वाले हफ्ते में इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा राइट कर रहे हैं कम्पेयर टू यहाँ पे सो so ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है और 16500 पीपल आर फीलिंग की स्ट्रांग सपोर्ट है ओके okay. uh, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तो 16700 में थोड़ा सा मार्केट्स टाइम स्पेंड करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा uh, बैंक निफ्टी देखते हैं यहाँ लेट अस लुक इन टू बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कह रही है तो बैंक निफ्टी इनफेक्ट फंटास्टिकली सपोर्ट ले चुकी है लुक एट द सपोर्ट ऑफ बैंक निफ्टी ओके तो मैं कहूँगा कि निफ्टी तो है ही है बट बैंक निफ्टी आपको अच्छा खासा मूव दे सकती है बैंक निफ्टी के लिए अगर आप डेली में भी देखोगे फैंटास्टिक मूव बन रहा है 36 का स्टॉप लॉस थर्टी सिक्स की एंट्री और थर्टी सिक्स का टारगेट ये एक दिन के लिए नहीं ये मंडे या मंडे के आसपास हो सकता है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा 300-400 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी लेना पड़ेगा यानी कि 36,500 का भी सी ले सकते हो और कल के दिन में लेना है इमिडेटली आज ही नहीं लेना है बट 36,700 जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यानी कि ऑलमोस्ट 500 पॉइंट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कौन से बेसिस पे ये जस्ट दो कैंडल देख के और ये जो पैटर्न बना है वो बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ इसमें अगर मैं बॉलिजर बैंड जोड़ दूँ मैं मूविंग एवरेज जोड़ दूँ या फिर मैं आर एस आई जोड़ दूँ तो मैं और भी पावरफुल एनालिसिस कर सकता हूँ कि होगा नहीं होगा इसके परसेंटेज और भी अच्छी तरीके से मैं समझा सकता हूँ बट यहाँ पे हम इस पर टाइम नहीं स्पेंड करेंगे इसके लिए जस्ट एक या दो कंसेप्ट से ही मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अब स्टॉक कौन से अच्छे हैं वो भी देखते हैं क्योंकि हमें देखना है कि क्या ऐसे स्टॉक्स है जो हमें हेल्प कर सकते हैं कल के लिए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स का स्कैनर लेके आऊँगा एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट सम रियली गुड स्टॉक्स विद दिस स्कैनर तो आइए देखते हैं स्कैनर क्या बता रहा है दो तो मिनट में स्कैनर ओपन कर देता हूँ ये देखो ये स्कैनर हो गया वाव अदानी इंटरप्राइज इंडियन बैंक बजाज ऑटो पी आई इंडस्ट्री कमिन्स इंडिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और आप देखोगे कमिन्स इंडिया का बी टी एस टी एनालिस भी बताया था सी जी पावर तो मैं सब देखूँगा यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वन मिनट यहाँ पर मैं टेन डेज और ये भले वीकली स्कैनर है बट कभी कभी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं येस बी एल इज़ फुल मार्क्स फ्रॉम मी आप बी एल अच्छा खासा ध्यान दे सकते हो बी एल कल के दिन में अच्छा खासा ऊपर जाएगा ये प्रीवियस रैली देख रहे हो तो यस आप देखोगे तीन सौ तक बी एल जा सकता है मैंने नहीं कहा स्कैनर ने कहा बी एल पे ध्यान देना और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे टू सिक्सटी का आप स्टॉप लॉस पकड़ सकते हो 268 या 270 की एंट्री और 300 सौ का टारगेट मतलब 295 के आसपास आपको एग्ज़िट होना है ये पहला हो गया आप बजाज ऑटो देख सकते हैं बजाज ऑटो इज़ ऑल्सो डूइंग रियली रियली यस बजाज ऑटो भी बहुत सही है uh, कहां तक जा सकता है तो फोर ज़ीरो सिक्स फाइव पे है फोर वन ज़ीरो ज़ीरो आराम से जा सकता है ओके okay? ये वाला स्टॉप लॉस ये वाली एंट्री और बहुत आगे लेके जाएगा फ़ोर वन जीरो ज़ीरो भी आएगा और फोर टू ज़ीरो ज़ीरो भी आएगा बजाज ऑटो ध्यान रखना वेरी गुड अदानी इंटरप्राइज देखते हैं अदानी इंटरप्राइज यस इट इज़ गुड बट स्टिल पच्चीस सौ के ऊपर मैं देखूँगा पी आई इंडस्ट्रीज़ यस पी आई इंडस्ट्रीज इज़ फैंटास्टिक बहुत कम पी आई इंडस्ट्रीज़ जैसे पावरफुल स्टॉक्स होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छा पैसा दे सकते हैं सो डेफिनेटली यू शुड थिंक ऑफ पी आई इंडस्ट्री मैं खुद अच्छे खासे पी आई इंडस्ट्रीज़ होल्ड कर रहा हूँ सो यस इट इज़ अ रियली फैंटास्टिक स्टॉक आप देख सकते हो बहुत ऊपर जाने वाला है सो so, अगर इसका एनालिसिस चाहिए तो कल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा विद दिस थैंक्स अलॉट सी यू टुमारो एंड रियली फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल हियर और इसी के साथ मैं कहूँगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं टेलीग्राम चैनल में बोर हो रहा है मुझे छोड़ना है तो मैं आपको कहूँगा कि जो हमारा नाइन का नंबर है जो कि व्हाट्सएप का नंबर है वहाँ पे एक बार हमें फ़ीडबैक देना कि क्यों आपको लग रहा है कि टेलीग्राम चैनल छोड़ना है थैंक्स अलॉट एंड सी यू टुमारो